हेलो फ्रेंड, पूना ढाबा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पूना ढाबा में इंडियन की स्पेशल चटनियाँ बनाने जा रहे हैं, जिन्हें आप डोसा, उत्पम, इडली किसी के भी साथ खाएं, आपकी खाने में चार चांद लग जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। सबसे पहले हम कच्ची मूंगफली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन लिया है, उसमें एक टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ये 3/4 कप मैंने कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं। इन्हें लो फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता। और ये देखिए मूंगफली के दाने कितने अच्छे से चटक चटक कर भून रहे हैं। 5 से 6 मिनट में हमारे मूंगफली के दानों का कलर चेंज होने लगेगा और ये देखिए दाने अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दूंगी ताकि ये भी थोड़ा सा भुन जाए। और ये मैंने 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, ये इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। वैसे साउथ इंडियन चटनियों में तीखा थोड़ा कम ही डाला जाता है। और ये देखिए सारी चीज़ें भुन गई हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक ये ठंडा नहीं होता है तब तक आप इनको बिल्कुल भी नहीं पीसिएगा। और ये देखिए मूंगफली के दाने अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने ये इमली का पल्प लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास इमली का गूदा नहीं हो तो आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा सा मिक्सचर लगा रह गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी हम और डाल लेंगे, लेकिन ये चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही बनाई जाती है। अब हम अपनी चटनी के लिए एक तड़का तैयार करेंगे। तड़का के लिए मैंने गैस पर एक तड़का पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। फ्रेंड, वैसे तो साउथ इंडियन में ये तड़का नारियल के तेल से लगाया जाता है, लेकिन आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं आप उसका तड़का लगा सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच मैंने उड़द की धुली दाल डाल दी है, 2 हरी मिर्च डाल दी हैं और दाल को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। मिर्चें भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं और ये देखिए दाल भी खूब अच्छे से भुन गई है। अब इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब तड़के को तुरंत चटनी के ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा इसे चटनी के अंदर मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए हमारी मूंगफली की एकदम अच्छी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप डोसा, इडली किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब नारियल की चटनी बनाते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग का जार लिया है, इसमें 3/4 कप मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है। अगर आपके पास कच्चा गुलाह हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने हरा धनिया लिया है जिसे मोटा मोटा काट लिया था। 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इमली का पल्प डाल देंगे। थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें हमारी खूब अच्छे से पिस गई हैं। इसे भी एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब चटनी की जान इसका तड़का तैयार करते हैं। गैस पर एक तड़का पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई। फ्रेंड्स, किसी भी साउथ इंडियन चटनी में तड़का उसका तड़का होता है, इसलिए इसमें तड़का जरूर लगाया जाता है। 1/2 चम्मच इसमें मैंने उड़द की धुली दाल डाल दी है और 1/2 चम्मच चने की दाल डाल दी है। दोनों दालों को खूब अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेंगे। अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से साथ में भुन जाए।
सबसे बाद में इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे और ये देखिए हमारा तड़का बनकर तैयार हो गया है। इसे चटनी के ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा चटनी को मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी नारियल की और हरे धनिए की हरी भरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं, अब हम टमाटर की चटनी बनाते हैं। टमाटर को हम ऊपर का डंठल निकाल कर रफली चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने ये देसी टमाटर का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास जो भी टमाटर अवेलेबल हो आप वो इस चटनी में यूज़ कर लीजिए। सारे टमाटर को हम डंठल हटाकर अच्छे से काट लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया है। अब गैस पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे और ये आधा चम्मच मैं इसमें हींग डाल दूंगी। अगर आप लहसुन खाते हैं तो हींग हटाकर आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच उड़द की धुली दाल और 1 चम्मच चने की दाल डाल दी है। सारी चीज़ों को थोड़ा सा लाल होने तक हम भून लेंगे। 2-3 लाल साबुत मिर्च डाल देंगे और ये देखिए दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, दालें अच्छे से भुन गई हैं। 1 इंच में अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 2-3 हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और उन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें अपना कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे जिससे टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा भुन जाने के बाद टमाटर में 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। क्योंकि इस चटनी में हमें टमाटर को अच्छी तरीके से गलाना है इसलिए इसे ढककर हम 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए टमाटर हमारा गलने लगा है लेकिन अभी पूरी तरीके से गला नहीं है। पैन का ढक्कन हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से गला लेंगे। थोड़ी देर बाद देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और टमाटर को तुरंत एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स इस चटनी को भी आप गरम गरम बिल्कुल मत पीसिएगा वरना हाथ जल जाएगा। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही पीसिएगा। और ये देखिए टमाटर हमारा ठंडा हो गया है। इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन पीस लेंगे। ये देखिए हमारी सारी चटनी अच्छे से पिस गई है। इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और ये देखिए टमाटर की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अब हम इसमें भी फिर से एक तड़का लगाएंगे। एक पैन में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच उड़द की धुली दाल और 2 हरी मिर्च डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और सबसे बाद में इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और तड़के को तुरंत ही हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। और ये लीजिए हमारी टमाटर की एकदम खट्टी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपनी चने की दाल की चटनी बनाते हैं। इसके लिए मैंने रोस्टेड चने लिए हैं। अगर आपके पास चने की दाल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं जिन्हें मैंने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्चों को काट कर इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इमली का पल्प लिया है ये इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम नमक डाल देंगे और मिक्सी का जार बंद करके सभी चीज़ों को बिल्कुल महीन पीस लेंगे। और ये देखिए मूंगफली और चने की दाल की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसके लिए भी एक तड़का बनाते हैं। गैस पर एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई,
दो हरी मिर्च लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है। सबसे बाद में इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को भून लेंगे और तड़के को अब चटनी के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरीके से चटनी में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी रोस्टेड चने और मूंगफली की चटनी भी बनकर तैयार हो गई है। ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी सारी चटनियां बनकर तैयार हो गई हैं। 15 से 20 मिनट में हमारी सारी चटनियां बनकर तैयार हो जाएंगी। आप जब भी कभी साउथ इंडियन डिश बनाएं जैसे डोसा इडली, आप इन सारी चटनियों में से कोई भी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके खाने में और टेस्टी लगेंगे, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।